आदित्य हूँ। आज हम पावर सिस्टम थर्ड में वेरिएशन डिमांड की बात कर रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने जो बात की थी वो टाइप्स ऑफ लोड की बात की थी कि लोड कितने प्रकार का होता है या लोड पावर सिस्टम में हम लोड किसको बोलते हैं और वो किन किन चीज़ों पर निर्भर कर सकता है या उसको हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकें ताकि लोड की फोरकास्टिंग के लिए या पावर सिस्टम के ऑपरेशन और कंट्रोल को बिहेव करने के लिए हम अच्छे से उस चीज़ को समझा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज जो लेक्चर है उसका टाइटल है वेरिएशन इन डिमांड। डिमांड में वेरिएशन क्यों आता है इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा हम किसी हमारे घरों के लिए बात करें तो हम घरों में कभी हमारे लाइट को जलाते हैं, कभी फ़ैन को जलाते हैं, कभी टीवी को जलाते हैं, कभी जो और अन्य इलेक्ट्रिकल गैजेट जो कि पानी की मोटर हो सकती है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, इन अलग अलग डिवाइसेस को हम घरों पे चलाते हैं और उनको चलाने का समय अलग अलग होता है। तो जब हम उनको घर पर होते हैं तब वो कुछ चलती है कुछ नहीं चलती, जब हम घर से बाहर होते हैं तो उसमें से अधिकतम नहीं चलती। जिस प्रकार से हम घर जैसे हम घर बाहर से बाहर चले जाएंगे तो हमारा जो घर का लोड होगा वो मिनिमम हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर जैसी आइटम है वो चलता रहता है तो वो अपनी कूलिंग और के अकॉर्डिंग पावर ड्रॉ करता रहेगा। अदरवाइज जैसे हम घर से बाहर होते हैं तो वहाँ की जो लोड डिमांड है वो बिल्कुल कम हो जाती है। घर पर होते हैं तो हमारी लोड डिमांड रहती है, वो लोड डिमांड भी दिन भर राउंड द डे अलग अलग रहती है। सुबह के टाइम पर कुछ अलग हो सकती है, दिन के टाइम में कुछ अलग होगी, अगर हम गर्मी होगी तो अलग होगी, सर्दी होगी तो अलग होगी, बरसात होगी, रेनी सीजन होगा तो बिल्कुल अलग होगी। इन सब बातों पे ये बात निर्भर करती है। इसलिए हर घर में जिस प्रकार से हमारा जो लोड की डिमांड है या पावर की डिमांड है वो कंटिन्यूस बदलती रहती है, इसी प्रकार से अगर हम इसको ज़्यादा एलिब्रेट करें तो उस कॉलोनी की डिमांड बदलेगी, हमेशा लगातार बदलती रहती है। अलग अलग समय पर अलग अलग गैजेट्स होंगे, अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होंगे, अलग अलग जो मशीनरी होगी, या अलग अलग प्रकार से उपभोक्ता ऊर्जा का उपभोग कर रहा होगा। ये घरों में, कॉलोनी में, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज या अन्य किसी भी प्रकार की जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वहाँ लगातार पावर की जो डिमांड है वो डिमांड सतत रूप से बदलती रहती है। और जो पावर सिस्टम में जो लोड है इसीलिए जब डिमांड बदलती है तो निश्चित रूप से लोड भी लगातार उस टाइम टू टाइम बदलता रहता है, क्योंकि हम किसी भी उपभोक्ता की डिमांड को एग्जैक्टली सर्टेन नहीं बोल सकते कि ये उपभोक्ता कितने बजे कितने ही पावर ड्रॉ करेगा या इसका किस वक्त किस गैजेट का उपयोग करेगा, एग्जैक्टली हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये यही कारण है प्रमुख रूप से कि जो पावर होती है उस पावर में की डिमांड है वो डिमांड लगातार बदलती रहती है, क्योंकि जो पावर सिस्टम है उस पावर सिस्टम को हम जो डिज़ाइन करते हैं या उसकी जो कल्पना करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो कंज्यूमर की जितना भी लोड का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। और एक आइडियल लोड ऑफ द स्टेशन जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट सा बना रहे और पूरी जो कांस्टेंट रहे और जो पूरा जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में भी लगातार बना रहे। लेकिन ये इसको हम बोलते हैं स्टेडी लोड, यानी कि इसको सतत भार बोलते हैं। लेकिन पावर सिस्टम में सतत भार एक काल्पनिक बात है, हम भार को बिल्कुल सतत रूप से बना के नहीं रख सकते, वो लगातार जैसा मैंने कहा वो उपभोक्ता की डिमांड के अनुसार लगातार बदलता रहेगा। और इसलिए जो स्टेडी लोड की बात है वो पावर सिस्टम में कभी भी एक्चुअल प्रैक्टिस में रियलाइज़ नहीं किया जा सकती, उसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डिमांड होगी या लोड जो कर्व होगा उस लोड कर्व को हम कभी भी फ्लैट नहीं बना सकते। वो लोड कर्व बढ़ेगा घटेगा, कभी पीक होगा कभी डाउन होगा, इस प्रकार से लगातार उसमें परिवर्तन होंगे। और प्रत्येक उपभोक्ता जो है वो जो अपनी ऊर्जा का उपभोग करता है कभी ज़्यादा कभी कम, लगातार वो उसकी डिमांड के अनुसार और उसकी एक्टिविटी के अनुसार करता है। और इस प्रकार से जो लोड की डिमांड है वो लोड की डिमांड लगातार कंटिन्यूसली बदलती रहती है टाइम टू टाइम। पावर सिस्टम में कभी भी जो लोड होगा वो लोड स्थिर नहीं होगा। अगर पावर सिस्टम में लोड को हम स्थिर कर सकें या पावर सिस्टम में हम उसके लोड की डिमांड को बिल्कुल फ्लैट कर दें, ये इस बात की हमारे लगातार प्रयास चलते रहते हैं कि पावर सिस्टम में लोड जितना स्टेडी होगा जितना फ्लैट होगा लोड करो उतना ही उसको कंट्रोल करना हमारे लिए आसान होगा। और इस प्रकार
इस कार्य को करने के लिए हम और अन्य कई तरीके भी हम काम में लेते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए, यानी पीक आवर्स में अगर कोई उपभोक्ता अधिक बिजली का उपयोग कर रहा है तो हम उसको अधिक चार्ज पे करने के लिए कंपेल करें, उससे ज़्यादा पैसे वसूलें ताकि वो उस समय पावर का डिमांड करे, उस समय पावर को कंज्यूम करे जिस समय डिमांड कम है, ताकि हम कर्व को मैक्सिमम फ्लैट कर सकें। और जो डिमांड में वेरिएशन है, डिमांड लगातार परिवर्तनशील होती है, इसका जो पावर सिस्टम में जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट क्या क्या होता है हम उसकी बात कर लेते हैं कि जो पावर सिस्टम होता है उस पावर सिस्टम में जो लोड या डिमांड निरंतर रूप से जो बदलती रहती है, निरंतर रूप से जो परिवर्तनशील होती है, इसके कारण पावर स्टेशन पे भी इफेक्ट आता है। और उन इफेक्ट को मोटे तौर पे हम दो तरीके से, दो भाग में स्टडी करते हैं कि एक नंबर वन नीड ऑफ एडिशनल कॉस्ट और सेकंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट की जो अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के साथ उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे को और अन्य इक्विपमेंट की, अन्य मशीनरी की आवश्यकता होगी। और इसको हम एक आसान स्टीम पावर प्लांट के एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टीम थर्मल पावर स्टेशन है, उस थर्मल पावर स्टेशन में डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से हमारे को एयर कोल वाटर और जो भी रॉ मटेरियल हम और काम में लेना उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इसको हम प्रोड्यूस करने के लिए, वेरिएबल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे को और अन्य इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे जिससे पावर की कॉस्ट बढ़ेगी। और पावर डिमांड ऑन जैसे जैसे पावर सिस्टम में पावर की डिमांड बढ़ती है इसकी सप्लाई करने के लिए, इसको मीट आउट करने के लिए, अधिक पावर को सप्लाई करने के लिए हमारे को थर्मल पावर प्लांट की मैं बात कर रहा था, स्टीम पावर प्लांट की, उसी के रेफरेंस में एग्जांपल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को कोयले की डिमांड बढ़ेगी, हमारे को एयर क्वालिटी की डिमांड बढ़ेगी, हमारे को वाटर की डिमांड बढ़ेगी ताकि हम बॉयलर को वो उतना वाटर मेकअप कर सकें और वो जो इंक्रीज डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें। इसलिए एडिशनल इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी और ये एडिशनल इक्विपमेंट जब भी होंगे तो जब भी हमारे को जरूरत पड़ेगी एडिशनल इक्विपमेंट को जहाँ भी हम इंस्टॉल करेंगे लगाएंगे तो उससे पावर सिस्टम की कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ने से उपभोक्ता को हम तुलनात्मक दृष्टि से महंगी बिजली सप्लाई कर पाएंगे। अगला जो इम्पैक्ट आता है वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे जैसे वेरिएबल डिमांड होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसकी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है कि मान लीजिए एक अल्टरनेटर है, वो अल्टरनेटर अपनी मैक्सिमम इफिशेंसी पे काम कर रहा है। कोई मान लीजिए हम बात कर रहे हैं झालावाड़ से या मान लीजिए कोटा की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास दो या कोटा थर्मल पावर स्टेशन जैसे 7 जनरेटर्स लगे हुए हैं, तो मान लीजिए हमारी जो डिमांड है वो डिमांड किसी एक जनरेटर के द्वारा फुलफिल नहीं की जाती है। तो जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के बाद हमारे को अगले जो दूसरा जनरेटर हमने लगाया हुआ उस जनरेटर को हमारे को चलाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल पा रहा है क्योंकि उस समय उतनी डिमांड नहीं है। मान लीजिए हमारी किसी भी क्षण डिमांड 100 मेगावाट थी, 100 मेगावाट से डिमांड बढ़ के 150 मेगावाट बन गई और 150 मेगावाट होने के कारण जो कोटा थर्मल पावर स्टेशन की फर्स्ट यूनिट है 110 मेगावाट की, वो उस डिमांड को फुलफिल करने में सक्षम नहीं है। तो हमारे को अगली यूनिट को स्विच ऑन करना है, अगली यूनिट को चलाना है और अगली यूनिट की अगेन जो साइज़ है वो 110 मेगावाट है। हमें चाहिए केवल 30 मेगावाट लेकिन हम चला रहे हैं मशीन 110 मेगावाट की, तो निश्चित रूप से उस मशीन से जो बिजली का उत्पादन होगा उसकी लागत अधिक आएगी और उस लागत के अधिक आ जाने के कारण उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन की कीमत बढ़ेगी, हम उपभोक्ता को महंगी बिजली दे पाएंगे। और साथ में दूसरे शब्दों में मशीन वाइज भी अगर हम बात करें तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी, उसकी दक्षता होगी, वो दक्षता कम होगी। इसी पर और इसी को हम बात करें कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस नंबर ऑफ अल्टरनेटर्स एंड डिफरेंट कैपेसिटीज आर इंस्टॉल्ड। हम जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ कई सारे जनरेटर्स, कई सारे अल्टरनेटर, जैसा आप जानते हैं कि हम एसी जनरेटर या इंडक्शन जो जनरेटर है, एसी सिंक्रोनस जनरेटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर बोलते हैं। तो उस अलग अलग साइज़ का अल्टरनेटर लगाते हैं ताकि जितनी हमारी डिमांड बढ़े अकॉर्डिंगली हम उस अल्टरनेटर का चुनाव कर सकें जो कि उस पर्टिकुलर एडिशनल लोड को सप्लाई करने के लिए अधिकतम दक्षता वाला हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला हो। इस प्रकार से हम उसका सिलेक्शन करते हैं। हालांकि नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स इंक्रीजेज द इनिशियल कॉस्ट, जैसे जैसे उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और
इस कॉस्ट के बढ़ने के कारण उपभोक्ता को जो पर किलोवाट जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी प्लांट की साइज़ बढ़ती है तो हमें ज़्यादा कारपेट एरिया चाहिए इस प्रकार से। तो कुल मिला के आज जो हम वेरिएशन इन डिमांड की बात कर रहे हैं पावर सिस्टम में, पावर नेटवर्क में, उसमें हमने ये पाया है कि जैसे जैसे पावर हम, ये बिल्कुल सत्य है कि हम कभी भी डिमांड को कांस्टेंट नहीं रखते, डिमांड लगातार बदलेगी और उस लगातार डिमांड के बदलने का जो इम्पैक्ट है वो दो तरीके से आएगा हमारे ऊपर। एक हमारे को इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, इक्विपमेंट हमारे को कुछ एडिशनल लगाने पड़ेंगे या उन एडिशनल इक्विपमेंट ऑलरेडी हमारे को माउंट करके रखने पड़ेंगे जिसको हम जैसे अधिक फ्यूल, अधिक एयर, अधिक कॉल, अधिक वाटर को सप्लाई करते समय उनको मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे। और साथ में जैसे ही अधिक डिमांड बढ़ेगी तो हमारे को एडिशनल अल्टरनेटर को चलाना पड़ेगा और उस अल्टरनेटर को जब हम रन करते हैं तो उससे हमारी फुल इफिशियंट कैपेसिटी पे अगर वो नहीं चल पाता है तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये वेरिएशन इन डिमांड जो है, उस वेरिएशन डिमांड का हमने एक पूरा अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको पढ़ें और इससे संबंधित जो भी आपके मन में जो क्वेश्चन हो उन क्वेश्चंस को बीच में आके शेयर करें। चाहे तो आप वो अपना जो हमने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, उस पर भी शेयर कर सकते हैं या मेरे से एक बार बात कर लें, हम इसकी लाइव क्लास में भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज हम एक लाइव क्लास भी लेंगे, उस लाइव क्लास में भी हम एक अलग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे इसी को, तो वहाँ भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। धन्यवाद।